हेलो, जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आने वाली 15 जून के बाद सभी किसान भाई सोयाबीन का या धान का अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में बुआई करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए एमपी में राज्य सरकार ने सोयाबीन धान सभी के ऊपर एक अनुदान योजना अभी शुरू की है। उस सभी की जानकारी आपको देना है, इसी संबंध में ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो अब नया बीज आप जो भी खरीदेंगे उसके उपरांत आपको जो अनुदान मिलेगा उस अनुदान योजना के बारे में मैं जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। बात करते हैं हम सबसे पहले, खबर है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन बीज उपचार पर मिलेगा 2000 रुपये का अनुदान, सभी फसल के बीजों की दर तय। खबर भोपाल से है, आपको दिख रहा होगा यहाँ कि 2000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा एक क्विंटल सोयाबीन पर। उसकी कीमत क्या रहेगी, सारा प्रोसेस कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। आगे हम बात कर लेते हैं, ये खबर देखो, ये धान और सोयाबीन के साथ दलहन के बीज पर भी अनुदान मिलेगा। 500 रुपये से 5000 रुपये तक का अलग अलग बीजों पे अलग अलग योगदान उनका अनुदान है। आगे बात कर लेते हैं हम, ये खबर देखिए अब इसमें साथियों, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जून के बाद काम बोनी शुरू हो जाएगी। 15 से 25 या 30 जून तक लगभग सभी बोनी कंप्लीट हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए 25 लाख रुपए का बीज प्रमाणित किया गया है, इसमें 20 संघ के माध्यम से आपको बीज दिया जाएगा। इसमें सोयाबीन का प्रमाणित बीज जो है वो 8100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जाएगा। इस पर जो अनुदान रहेगा साथियों वो 2000 रुपये का रहेगा। इसी तरह जो है आपका धान पर अनुदान दिया जाएगा, धान पर जो रहेगा वो धान का बीज जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, और अरहर का बीज जो है जिसे हम तुअर कहते हैं वो 4500 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों से बीज खरीदने की भी दर तय कर दी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। अब बात करते हैं हम मुख्य सचिव कृषि के अजीत केसरी जी ने कहा है कि हम जो बीज किसानों को नगद में देंगे और उसे ऋण पुस्तिका में दर्ज करेंगे, उसे ऋण पुस्तिका में दर्ज करेंगे तभी आपको अनुदान मिलेगा। बीज संस्थाएं अधिकतम जो है आपको 30% नगद बीज नगद में बेच सकती है। प्रदेश के किसानों को बीज वितरण करने पर ही अनुदान पात्रता होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के जो है निवासी है तो आपको अनुदान की पात्रता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। किसानों को बीज विक्रय करने की दर तय करने के साथ ही पंजीकृत किसानों से प्रमाणित बीज खरीदने की दर भी तय कर दी गई है। आगे एक और चर्चा कर लेते हैं हम आपके साथ, कृषि विभाग अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि जो बीज का अनुदान की राशि है वो ना तो हम बीज कंपनियों को देंगे, बीज वितरण संस्था को भुगतान कराने के लिए अनुदान राशि नहीं दी जाएगी, बीज कंपनियों को नहीं देंगे, हम सीधे जो है किसानों के खाते में जमा करेंगे। तो ये एक बात उन्होंने कही है। इसी में हम जान लेते हैं कि किस बीज पर कितना अनुदान है। सोयाबीन पर जो है हमारा 8100 रुपये प्रति क्विंटल पे 2000 रुपये आपको सरकार द्वारा मिलेगा। तिल पर जो है 4000 रुपये मिलेगा, राम तिल पर जो है 4000 रुपये मिलेगा, मूंगफली पर जो है आपको 4000, धान सुगंधित पर आपको 1000 रुपये मिलेगा, धान मोटी पे आपको 2000 मिलेगा, धान पतली पे आपको 2000 मिलेगा, मक्का पर आपको 3000 रुपये मिलेगा।
तो ये कुछ अनुदान राशि जो है इस चर्चा करी मैंने आपके साथ। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कि इसमें आपका कोई भी रुपया नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। मिलता हूँ अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।